आज गीता निकेतन विद्या मंदिर मोहनगर कुरुक्षेत्र में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के तहत अधिकारीगण जिनमें डॉक्टर प्रेरणा चौधरी, सुशील बंसल, डेजी बंसल, अनीता चौधरी व करण अरोड़ा विद्यालय परिसर में पहुंचे। मां सरस्वती की वंदना के पश्चात विद्यालय परिसर में उनका स्वागत व अभिनंदन करते हुए छात्र बहनों ने उन्हें बैज लगाए। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को एकाग्रता एवं ज्ञान बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं करवाई, जिसमें सुदर्शन व मेधा क्रियाएं शामिल थी। इसी के साथ ही उन्होंने विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी आचार्य कर्मचारी व विद्यार्थियों को इंट्यूशन यानी कि पूर्व आभास होने वाली योगिक क्रिया के बारे में भी बताया। डॉक्टर प्रेरणा चौधरी ने छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को ऊर्जावान बने रहने के कुछ टिप्स भी दिए। अंत में प्रधानाचार्य यशपाल वधवा ने विद्यार्थी जीवन में योग के महत्व पर चर्चा करते हुए आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त। डॉक्टर सिमरन आनंद डेंटल सर्जन BDS, डॉक्टर रमन सैनी BMS, डॉक्टर तस्वीर खुराना फिजियोथेरेपिस्ट का फूलमालाओं व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कैंप में भंडारे की व्यवस्था स्वर्गीय लीना शर्मा के पति ओम प्रकाश शर्मा, बेटियां डॉक्टर आरती शर्मा, भारती शर्मा व पोषिया शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में योगेश्वर प्रसाद शर्मा, वंश सैनी, किरण, अंजू, हिमांशु गाबा, कुलदीप का सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर राज शर्मा, सुगंधा शर्मा, मधु तंवर, किरण ग्रोवर, राजबाला शिवाच, मोतिया गुलाटी, डॉक्टर रामबज, प्रीतम सिंह कामिनर, जिला सत्य साई कार्यकारिणी पदाधिकारी रविंदर सिंगला, नरेंद्र शर्मा, रमेश शर्मा, गुलजार सिंह रतगल, प्रवीण टुटेजा, रामशरण, आनंद शर्मा, के कौशल, योगराज शास्त्री इत्यादि मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। हाँ, इसमें क्या करना है, जैसे आप सब लोग बैठे हैं तो आप लोग आप सबको जैसे ब्रीदिंग करते हैं ना, तो ब्रीदिंग में हाथ ऊपर जाएंगे और पूरा अच्छे से इनहेल करना है। जितनी सांस आ सकती है मैं उतनी सांस लूंगा, ठीक है, फुल कैपेसिटी, यस। और ब्रीद आउट में ऐसे, ठीक है, गुड। अब ये 10-12 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो सबकी आईज दोबारा से अच्छे बच्चों की तरह क्लोज, हाँ। और हम क्या करेंगे जो ओके ओके एक बार सब आईज ओपन करें, है ना। आज जो है मतलब आपकी मुट्ठियां जो है बहुत ढीली तरीके से यहाँ पे बंद, ठीक है। बढ़िया, तुम्हारे माइंड में पिक्चर की तरह आ जाते हैं, तो जब एग्जाम के लिए जो बच्चे बैठते हैं उनको ऐसे लगता है कि हमारे आगे बुक खुल गई है, ऐसा तो कौन नहीं चाहता, है ना। तो और इससे क्या होता है, हमें क्या लगता है, हम अपनी आईज से देखते हैं, पर जो बच्चे इंट्यूशन प्रोग्राम कर लेते हैं ना वो आईज बंद करके बहुत अच्छी रीडिंग कर पाते हैं। हमारे पास यहाँ क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे हैं तो जिन्होंने इंट्यूशन किया है, और कई बार उनके पेरेंट्स कुछ चीज रख के भूल जाते हैं तो बच्चे इंट्यूशन से पता लगा लेते हैं कि वो चीज वहां रखी है, और उनको पता लग जाते हैं कि हमारे घर पे आज ही आने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी मैजिक की तरह लगती है जो चीजें, और ये इंट्यूशन प्रोग्राम से वो बच्चे उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सारा नॉलेज हमारे अंदर है, आगे क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था, वो सब हमारे अंदर है, पर हम उस चीज को पकड़ नहीं पाते, उस थॉट को पकड़ नहीं पाते। पर इंट्यूशन की एक्सरसाइज करने के बाद हमें वो जो होने वाला है क्लियर कट अंडरलाइन हो जाता है, जैसे राइट थॉट एट राइट टाइम। कई बार हमें पता नहीं लगता कि हम इस रास्ते पे जाए या इस रास्ते पे, पर जो बच्चे इंट्यूशन करते हैं उनको एकदम अपना गोल क्लियर दिखता है। तो इंट्यूशन प्रोग्राम भी कुरुक्षेत्र में होने वाला है 23-24 दिसंबर को, तो आप अपने घर पे बात करना, और अगर बच्चा इंटरेस्टेड हो तो अपनी मैम को बता देना, ठीक है, वो मेरा नंबर ले लेंगे, उनसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है।